फरीदाबाद में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार ट्रक का कहर। घटना फरीदाबाद के सेक्टर 22 की है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक अपना संतुलन खोकर एक दुकान में जा घुसा, जिससे दुकान का शटर टूट गया और दुकान का पिलर भी टूट गया है। घटना से दुकान में भारी नुकसान तो हुआ, लेकिन गनीमत रही कि दुकान की मालकिन और उसके बेटा बाल बाल बच गए। उनके मुताबिक उन्होंने 5 मिनट पहले उन्होंने दुकान बंद की थी, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसा दिखाई दे रहा ये वही ट्रक है, जिसकी तेज रफ्तार के कहर से दुकान की मालकिन और बेटा बाल बाल बच गया, क्योंकि घटना से मात्र 5 मिनट पहले ही उन्होंने दुकान बंद की थी और दुकान के पीछे बने अपने घर में गए थे कि जोरदार धमाका हुआ, जिसे सुनकर वह घबरा गए और बाहर आकर देखा तो ट्रक दुकान के अंदर घुसा हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान हुआ है। उनके मुताबिक उन्होंने पिछले 5 मिनट पहले ही दुकान बंद की थी और घर के अंदर ही घुसे थे कि हादसा हो गया। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर तो बाल बाल बच गया, लेकिन कंडक्टर को गंभीर चोट आई है, जिसे सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं कंडक्टर की माने तो ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, जिसकी वजह से ट्रक अनबैलेंस हो गया और ट्रक दुकान में घुस गया। वहीं पुलिस की माने तो उन्हें सूचना मिली थी कि एक ट्रक अनबैलेंस होकर दुकान में घुस गया है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पीड़ित दुकान की मालकिन से शिकायत ली जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्यवाही पर अमल किया जाएगा। वहीं ड्राइवर को काबू कर लिया गया है। ड्राइवर ने शराब पी थी या नहीं, ये मेडिकल के बाद ही पता चल पाएगा, और कितने का नुकसान हुआ है ये अभी तक नहीं बताया जा पा रहा। सर, अभी हम बस जस्ट 5 मिनट पहले ही ताला लगा के मैं और मेरा बेटा अंदर गए ही थे, और अभी हम बाहर का ताला लगा ही रहे थे कि इतनी देर में आवाज आई जोर से। कितने बजे का हादसा है? 8:45। इतना कैसे है कि हम घर में थे, मौके पे तो ये खुद ही थे, बट जब इनका फोन आया तो चीखे की आवाजें आ रही थी और हम ऐसी इसी पोजीशन में हम भागे एकदम। जब यहाँ देखा तो यहाँ बहुत हालत खराब हुई पड़ी थी और बहुत पब्लिक इकट्ठी हुई थी, और गाड़ी को भी नुकसान करने को पब्लिक तैयार थी। फिर मैंने रोका गाड़ी इसको कि क्यों ही गाड़ी को हाथ नहीं लगाएगा, अब हम इंसान बच गए और जो भरपाई होगी इन लोगों की ये गाड़ी वाली भरेंगे। इसको जो प्रथम सूचना मिली उसके हिसाब से एक 10 टायर गाड़ी है, जो अपना बैलेंस बिगाड़ के और लापरवाही से चलाते हुए इन्होंने दुकान में इन्होंने मारी है। तो जिस सूचना पे अभी आए हैं, जैसे ही कंप्लेंट देंगे और जो कानूनी कार्रवाई होगी उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। कहाँ का ट्रक है और ड्राइवर ने क्या कोई शराब पी रखी थी? शराब का अभी तक कोई कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी मेडिकल हुआ नहीं है। ट्रक के नंबर पंजाब के हैं। तो कितने दूर? जैसी कार्रवाई होगी, जैसी सूरत होगी वो कार्रवाई करेंगे। नुकसान की बात करें तो कितना हुआ होगा? इस चीज़ का अंदाजा नहीं लगा सकते हम, टेक्निकल आदमी नहीं, इसका अंदाजा लगा सकते। इन खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए BVM News।